और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम अचानक से बदल गया है। चार धाम समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कई जगह तापमान माइनस में पहुंच चुका है। तस्वीरें बद्रीनाथ और केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी की है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास रुई के फाहे की तरह बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक रहा है। बीते 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर हिमालय के पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। चार धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं औली में लंबे समय बाद बर्फबारी होने से वादियां बर्फ से सराबोर नजर आईं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में पाला पड़ने से ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अब मैदानी इलाकों में कोहरा छाने का अलर्ट है। आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, औली, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में तेज बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की दिलकश तस्वीरें सामने आई हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से उत्तराखंड में पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं और बर्फ में खेलते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से कुछ सड़कों पर जाम भी लग गया, जिससे यातायात बाधित हुआ है। और उत्तराखंड ही ऐसा अकेला राज्य नहीं जहां पर बर्फबारी हुई। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी की है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार काफी कम बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में देर से ही सही बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं सैलानियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। किधर है अपनी ओल्ड मॉन्क को बाहर निकालो भाई। पूरे श्रीनगर में, पहलगाम में, गुलमर्ग में कहीं पे स्नो नहीं, सिर्फ यही स्पॉट है सिंतन टॉप जहाँ आपको मस्त बर्फ मिलेगा। आपका जर्नी सक्सेसफुल होगा। शिमला भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर बेहद खूबसूरत लग रहा है। डरीज, माल रोड, विक्टोरियन चर्च समेत शहर के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगी हैं, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।